सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को जो जानकारी देने के लिए बनाया गया है, ये वीडियो आधारित है बटन मशरूम के खाद को लेकर के। यानी बटन मशरूम का अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। बटन मशरूम बहुत ही फेमस है, क्योंकि सब्जी के पर्पज़ से लोग इसको खासतौर से बनाते हैं या पिकल बनाने के लिए उगाते हैं, यानी जो अचार बनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर मैं बात करूँ मशरूम में, तो ये बटन मशरूम है जिसको लोग उगा रहे हैं। तो इसका खाद बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी, जो कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट हैं और इस रिसर्च सेंटर पर कार्यरत हैं। तो आपको पता ही है कि जब रिसर्च सेंटर से कोई जानकारी आपको देता है तो एक्यूरेट जानकारी आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जो भी नए लोग बटन मशरूम की खेती के लिए जुड़ना चाहते हैं या इसे करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखिए, ताकि आप अगर किसी तरह की गलती कर रहे हों तो उनमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं, आज आपको पूरी जानकारी देंगे बटन मशरूम के खाद बनाने के प्रोसेस के बारे में। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलते हुए, चूँकि आज इन्होंने समय निकाल कर हमारे चैनल को जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और इन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ कि बटन मशरूम का जो खाद बनाने का प्रोसेस है वो क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका परिचय तो मैंने दे ही दिया और हमारे चैनल पे आप लोग, आपको बहुत सारे लोग जानते भी हैं, क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आज बेसिकली मैं चाहता हूं कि बटन मशरूम का जो कंपोस्ट बनाया जाता है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो पाए आपके माध्यम से। तो मैं चाहूँगा एक बार आप इस लोकेशन का थोड़ा सा, रिसर्च सेंटर का थोड़ा नाम बताएं, जगह का नाम बताएं, उसके बाद फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। यह जो लोकेशन है, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, प्लाट नंबर 47 पंखा रोड, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है सर। जो फोन नंबर है जी 0112852211, यहाँ पे आप जो है 10 बजे से लेके 5 बजे तक वर्किंग आवर में आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, ने कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे जाएंगे आप तो पूरा डिटेल आपको यहाँ का मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉल करके कोई जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। बाकी बटन मशरूम का जो कंपोस्ट है, शुरुआत से लेकर के जो कंपोस्ट खाद बनाया जाता है उसका प्रोसेस क्या है सर, उसका बताएं ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो पाए, जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, जो किसान इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, ताकि कभी भी अगर वो प्लान करते हैं या जो कर रहे हैं अगर वो कोई गलती कर रहे होंगे तो उस पर ध्यान दे पाएंगे। जी देखिए, अगर आप बटर मशरूम खेती करने जा रहे हैं जी, अगर आपको खाद बनाने नहीं आता, अगर आप खाद या कंपोस्ट खरीद रहे हो तो समझ लीजिए आप घाटे का बिजनेस कर रहे हैं जी। तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको खाद बनाना आना चाहिए जी। कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है जी, और अच्छी खाद कैसे बनेगी उसके लिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अच्छा बीज आपको चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए, उसी प्रकार से आपको अच्छी खाद की भी जरूरत पड़ेगी। कितना भी अच्छा बीज होगा, कितना भी अच्छी आपको जानकारी होगी, अगर आपके कंपोस्ट सही नहीं है, कंपोस्ट आपने सही नहीं बनाया है, तो मशरूम का प्रोडक्शन आपका घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए खाद बनाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी खाद आपकी होनी चाहिए। खाद बनाने के लिए क्या करना है, जो भी आप जहाँ भी आप मशरूम खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो भी मशरूम में रॉ मटेरियल लगता है, जैसे गेहूं का भूसा है, चोकर है, मुर्गी खाद है, यूरिया है, जिप्सम है और कुछ दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ लोकल एरिया में उपलब्ध हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं उपलब्ध होगा तो आप बहुत दूर से लाएंगे, खरीद कर लाएंगे तो उससे आपका जो कंपोस्ट की कास्ट है वो बढ़ेगी। तो कोशिश करिए वहीं पे मशरूम खेती करिए, उसी आसपास पे करिए जहाँ पे ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो और सस्ते दर पर उपलब्ध हो। खाद बनाने का जो तरीका है, खाद दो प्रकार से बनाई जाती है। नंबर एक है लॉन्ग मेथड, दूसरा है शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में जो खाद बनाते हैं वो 28 दिन का प्रोसेस है, शॉर्ट मेथड में जो है 18 दिन का प्रोसेस। जो लॉन्ग मेथड से खाद बनाते हैं वो किसान लोग बनाते हैं और उसमें थोड़ा खर्चा कम आता है, बहुत आसानी से खाद बन जाती है। शॉर्ट मेथड से जो खाद बनाते हैं उसमें खर्चीला काम है, इसमें हम पास्टराइज यूनिट बनाते हैं, उसके लिए आपको बॉयलर की जरूरत पड़ती है, ब्लोवर की जरूरत पड़ती है
और चैम्बर हमको जिसमें हमको पास्चराइज करना उस चैम्बर बनाने की जरूरत पड़ती है, तो काफी खर्चीला काम है जी। तो इसलिए हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं लॉन्ग मेथड से खाद बनाने जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जहाँ भी आप खाद बना रहे हो सबसे पहले उस कंपोस्ट यार्ड को आप अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए, और जो यार्ड बना रहे हैं कोशिश से करिए वह कंपोस्ट यार्ड आपका ढालनुमा होना चाहिए, एक साइड ऊंचा हो एक साइड ढालनुमा हो, और उसके किनारे जो कंपोस्ट यार्ड बनाया है एक गड्ढा छोटा सा बनाइए जिससे जो एक्सेस वाटर हो वो उस गड्ढे के अंदर जाए और उस पानी को जिससे आप दोबारा यूज कर सकें। okay. तो सबसे पहला काम है उस गेहूं के भूसे को आप या चाहे धान का भूसा हो उसको आप प्लेटफार्म पर ले आइए और उसको पानी से अच्छी तरह से भिगोइए। पानी की बात जहाँ तक है, पानी आपका मीठा पानी होना चाहिए जिसका पीएच 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। और उस भूसे को पानी से अच्छी तरह से तर करिए जी। जब पानी आप भूसा आपको 48 घंटे तक भिगो कर रखना है, और जब भूसा अच्छी तरह से भीग जाए, भीगी हुए 24 घंटे हो जाए जी, तो 24 घंटे बीतने के बाद जो मुर्गी खाद है और यूरिया है, चोकर है, जो भी फर्टिलाइजर आपने लिया है सबको आपस में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके एक हल्का छोटा सा ढेर उसी कंपोस्ट यार्ड पे ही अलग में एक साइड बना लीजिए, बना के उसको हल्का सा पानी का छिट्टा मार के उसको जूट के बोरे से ढक के रख दीजिए। तो इसका सर एक बार मैं परसेंटेज जानना चाहूंगा, कितनी कितनी मात्रा किस लेवल पे लेना चाहिए, जैसे सपोज किसी को 100 बैग बनाना होगा, किसी को 500 बैग तैयार करना, कुछ उदाहरण लेके अगर बताएं तो लोगों को और इजी हो पाएगा। और मैं आपको बता देता हूं जी, सपोज करिए आपने 3 क्विंटल भूसा लिया है जी, 3 क्विंटल भूसा के लिए आपको 30 किलो चोकर की जरूरत पड़ेगी जी, मुर्गी खाद 125 किलो की जरूरत पड़ेगी जी, यूरिया 3.5 किलो की जरूरत पड़ेगी जी, और पोटास जो है आपको 2.5 से 3 किलोमीटर किलो ले सकते हैं जी, प्लस चोकर 30 किलो बताई दिया आपको जी, इसके अलावा जिप्सम की जरूरत पड़ेगी जो आपको 20 से 25 किलो चोकर आप ले सकते हो। ठीक है, तो जो भूसा आपने बताया भूसे को 24 घंटे के लिए बिल्कुल भिगो देंगे, बाकी जो मटेरियल बताया उसको मिला करके आगे का प्रोसेस जब आपका भूसा 48 घंटे भीग जाए जी, और जो आपने अलग से मिक्सर बनाया है वो 24 घंटे हो जाए, तो 48 घंटा भूसा भीग हो जाए, 24 घंटे आपका मिक्सर अलग से हो जाए, दोनों को आपस में मिक्स करके एक ढेर बनानी है। तो जो मिक्सर है सर, एक सवाल इंटरप्ट करने के लिए, मिक्सर जो रहेगा उसको भिगोना नहीं है, सिर्फ मिला के रखना है, हल्का सा पानी का छिट्टा मार के मॉइस्ट देना है बस। ओके, नमी देनी है, भिगोना नहीं, उसके बाद उसको ढक दें, जूट के बोरे से ढक देना है 24 घंटे के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या होगा सर प्रोसेस? तो जब आपको 24 घंटे का आपका मिक्सर तैयार हो जाएगा जी, तो 48 घंटा भूसा भीगे ऑटोमेटिक हो जाएगा जी, तो उसको दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर देंगे, मिक्स करके एक ढेर बनाएंगे। ढेर बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि 5 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबा और 5 फुट ऊंचा जी, एक कम होना चाहिए जी। लंबाई आपका जैसा प्लेटफार्म ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई 5 फुट से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना जी। अगर 5 फुट से ज्यादा रखेंगे तो जो उस कंपोस्ट यार्ड है उसका टेम्परेचर 75 डिग्री या 76 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तो जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे जी। और अगर उस ढेर से कम है, ऊंचाई से कम है 5 फुट से, तो आपके कंपोस्ट में टेम्परेचर नहीं बनेगा, जब टेम्परेचर नहीं बनेगा तो फर्मेंटेशन आपके कंपोस्ट में अच्छे ढंग से नहीं होगा, तो आपकी अच्छी खाद नहीं बनेगी। ओके, तो यह ध्यान रखना है 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा इसका जरूरी है, बाकी लंबाई जैसा आपका प्लेटफार्म है उस हिसाब से बना के रखना है। जब आप ये ढेर बना देते हैं तो उसको हम 0 दिवस बोलते हैं। ओके, ढेर बनाने के बाद इसको 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। ओके, और 6वें दिन हम इस कंपोस्ट यार्ड की पहली पलटाई करते हैं। ओके, पलटाई करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि आप चोको बार बार चेक करना है कि आपके कंपोस्ट में पानी की कमी तो नहीं है, वह भूसा आपको अच्छी तरह से भिगोना चाहिए। पहली पलटाई में आपके कंपोस्ट यार्ड में लगभग 90% या 85% के आसपास उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। पलटाई करते समय इस चीज ध्यान देना चाहिए ऊपर वाला जो कंपोस्ट है वो नीचे चला जाए और नीचे वाला कंपोस्ट ऊपर आ जाए। Okay. कंपोस्ट पलटाई करके फिर वैसे ढेर बना देते हैं, सेम ढेर बना के उसको फिर हम छोड़ देंगे 10वें दिन, फिर दूसरी पलटाई करते हैं। तो उसमें सर जो ढेर दोबारा पलटाई करने के बाद क्या ढकना भी है या वैसे छोड़ देना? ढकने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑटोमेटिक है, उसमें टेम्परेचर वो आ जाता है। ओके, 10वें दिन दूसरी पलटाई करेंगे, पलटाई वैसे ही करनी है जैसे आपने पहली बार किया था। ओके, और 13वें दिन जो है तीसरी पलटाई करेंगे, और 16वें दिन जो है आपकी चौथी पलटाई हो जाएगी, और 19वें दिन आपकी पांचवी पलटाई हो जाएगी। ओके, पलटाई करते समय आपको बार बार मॉइस्चर चेक करते रहना है। पांचवी पलटाई आते आते आपके कंपोस्ट में जो है 80% और 75% के बीच में मॉइस्चर होना चाहिए। ओके, अब धीरे धीरे अब इसमें पानी नया नहीं डालना है, अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो कंपोस्ट अब खराब हो सकती है, तो जो आपने मॉइस्चर पहले से बना के रखा है उस मॉइस्चर को ही बनाते हुए आपको आगे जाना है। अब
okay. और पांचवी पलटाई में आपने जो जिप्सम रखा हुआ है अलग से, उस जिप्सम को हम इसमें मिला देते हैं okay. मिला के फिर उसे ढेर बना देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके ढेर की जो ऊंचाई है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कंपोस्ट काफी मुलायम हो चुका रहेगा जी. और उसका काफी कलर चेंज हो चुका रहेगा। और ऐसे फिर उसको छोड़ देते हैं। 22वें दिन फिर जो है इसकी हम जो है छठी पलटाई करते हैं, और 25वें दिन सातवीं पलटाई करते हैं। सातवीं पलटाई में लगभग कंपोस्ट आपकी 95% तक आपकी बनकर तैयार होती है, और उसमें कुछ नहीं करना होता है। आप अगर थोड़ा चेक करना होता है, अगर आपके कंपोस्ट में कीड़े आ गए हैं या अमोनिया की स्मेल है, तो उसमें आप एक इंसेक्टिसाइड जिसको फ्यूराडान बोलते हैं या लिंडन डस्ट बोलते हैं, उसको आप उसमें जो है 3 क्विंटल का अगर आप मिक्सचर है तो उसमें आप जो है 250 से 300 ग्राम फ्यूराडान डाल के स्प्रे कर देंगे, तो उसमें जो कीड़े आए होंगे वो मर जाएंगे। कितने पानी में मिलाना होगा सर? इतना पानी में उसको नहीं मिला जाता, ऐसे ही डस्ट पाउडर में ही आप उसको ऐसे ऊपर से छींट के फिर अच्छा। उसको मिक्स करके डाल देते हैं। पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं यूज करना, ठीक है सर। 28वें दिन आपकी खाद बनकर तैयार हो जाती है। टोटल 8 पलटाई इसमें करते हैं, 28 दिन इसमें लगते हैं, खाद आपकी बनकर तैयार है। जब आपकी खाद बनकर तैयार होती है, उसके कुछ करेक्टर होते हैं, उसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी खाद अच्छी बनी है कि खराब बनी है। तो सबसे पहला करेक्टर, कंपोस्ट का जो कलर है डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा, गहरा भूरा कलर का हो जाता है जी। कंपोस्ट में आपका किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आएगी okay. उस कंपोस्ट में अमोनिया फ्री होनी चाहिए, उसमें अच्छी खुशबू आनी चाहिए, बैड खुशबू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर जो नमी है 60 से 70% होना चाहिए। अगर 60% से कम है तो जब आप बिजाई करेंगे तो फंगस उसमें नहीं फैलेगा। 70% से अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो बीज आप डालेंगे तो बीज आपका सड़ जाएगा। तीसरा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 2.5 से 3% होना चाहिए। चौथा, कंपोस्ट आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, चिकनापन आपके कंपोस्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कंपोस्ट का पीएच 7 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपोस्ट का पीएच ज़्यादा होगा तो कंपोस्ट का जो स्पान है मशरूम का, उसमें उसका माइसिलियम अच्छी तरह से नहीं फैलेगा, जो सीधे आपके प्रोडक्शन के ऊपर उसका असर पड़ेगा। सर, इसमें एक दो सवाल मैं करूंगा आपसे। जो नमी बताया आपने 60 से 70 के बीच में होगा, कैसे जान पाएंगे कि नमी 60 से 70 है सर? उसके लिए दो चीजें हैं। एक तो आप या तो मॉइस्चर मीटर से पता कर लीजिए उसके अंदर मॉइस्चर कितना है। दूसरा, आप मैनुअली चेक करने के लिए आप नीचे से लेके ऊपर तक कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उस कंपोस्ट को आप थोड़ा सा अपने मुट्ठी में लीजिए, और मुट्ठी में लेके उसको हल्का क्या पूरे पंच करिए। जब पूरा पंच करेंगे, दबाएंगे मुट्ठी को, तो पानी की बूंदें बाहर आएं, और ये जो हाथ अंगूठी के जो बीच में दोनों उंगली से बीच में पानी की बूंदें आएं और लटकी रहें, गिरे ना, तो समझ लेना 70% मॉइस्चर है। ओके। और अगर पानी की बूंदें गिर रही हैं तो समझ लेना 70% से ज़्यादा है, तो उसको आपको हल्का सा फैला के उसको मॉइस्चर को मेंटेन करना है। दूसरा, अगर आप पंच करते पानी की बूंदें बाहर नहीं आ रही हैं उंगलियों के बीच से, और आपका सरफेस जो है गीला हो जा रहा है, तो 60% मॉइस्चर है। तो दोनों कंडीशन, इससे ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो 3 क्विंटल आपने बताया सर, इतना बनाते हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 क्विंटल का जब वजन हमने शुरू में लिया था, तो क्या खाद बनने के बाद भी इसका वजन उतना ही रह जाता है? ढाई गुना हो जाता है। ढाई गुना हो जाता है। और जो किसान लोग इसको बनाना चाह रहे हैं, इसी प्रोसेस से इसको बना करके फिर डायरेक्टली इसको 28 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग में इसको बिजाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिजाई के लिए तैयार है, लेकिन चूँकि अगर आप उससे पहले बिजाई कर देते हैं तो कभी कभी रूम का टेम्परेचर जब घटता या बढ़ता है तो उसमें कुछ बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। तो उससे बचने के लिए एक तरीका है कि उसको हम सबसे पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बिजाई करने से पहले ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है, कंपोस्ट को जो है 2% फारोलिन और 0.5% बाबस्टिन से हम उसको 24 से 48 घंटे के लिए ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्या प्रोसेस होगा सर ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट करने के लिए आप अगर सपोज करिए आपने 10 क्विंटल कंपोस्ट है आपकी, तो उसके लिए आपको 40 लीटर पानी लेना है, और उसमें जो है 2% फार्मलिन और 50 ग्राम बावेस्टिन डालनी है आपको। ओके। डाल के उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उसके ऊपर कंपोस्ट के ऊपर स्प्रे करके उसकी मिक्सिंग कर देते हैं, पलटाई कर देते हैं। पलटाई करके उसको पॉलीथीन से कवर करके रख देते हैं 48 घंटे के लिए, वो आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद ये स्टराइज हो जाएगा, फिर इसको इस्तेमाल करें तो उसमें कीड़े या बीमारी आने के कोई चांस नहीं रहेंगे। जी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस बटन मशरूम का खाद बनाने का, और आप लोगों ने इसका पूरा A to Z प्रोसेस सीख लिया सर से, और जो जानकारी सर ने दिया बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी दिया। आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक फार्म है और बटन मशरूम का ही फार्म है जहाँ पर आ करके ये वीडियो मैंने शूट करा था। और बटन मशरूम में अगर आपको खाद बनाने को लेकर के अगर अब भी कोई सवाल है, आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा या सवालों के आप पार्ट में जो है उसे शामिल करूंगा। आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, आने वाले वीडियो में कुछ और जानकारी साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।